दोस्तों, शुक्र ग्रह यानी वीनस रात में हमारे आसमान में चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। यह काफ़ी हद तक हमारे ग्रह पृथ्वी के समान है, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। शुरू में माना जाता था कि यह पृथ्वी की तरह ही पानी से भरे महासागर, जंगल और जीवन मौजूद हो सकता है, पर जब शुरुआती स्पेस मिशन ने इस ग्रह का अध्ययन किया तो पता चला कि यह ऐसा बिल्कुल ही नहीं है जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था, बल्कि यह खतरनाक ज्वालामुखी से भरा हुआ है। यह एक नर्क है जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गर्म ग्रह पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वीनस ग्रह पर कभी विशाल पानी से भरे महासागर, जंगल और शायद जीवन मौजूद था। पर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुक्र ग्रह का जन्म और पृथ्वी से समानताएं। सूर्य से दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र ग्रह रात के आसमान में चांद के बाद दूसरी सबसे चमकदार और खूबसूरत चीज है। इसकी खूबसूरती के कारण ही इसे रोम का सौंदर्य और प्रेम की देवी वीनस का नाम दिया गया है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का आकार, मास और डेंसिटी लगभग एक जैसा है और दोनों ही समान कक्षाओं में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों का जन्म एक ही न्यूबला और कंपोजिशन से हुआ है। चूंकि पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही हैं, इसलिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जरूर पृथ्वी की तरह जीवन योग्य परिस्थितियां शुक्र ग्रह पर भी मौजूद होंगी। मगर जब 60 और 70 के दशक में इस ग्रह की जांच पड़ताल के लिए शुरू हुए अंतरिक्ष अभियानों के जरिए वैज्ञानिकों ने शुक्र का नजदीक से जायजा लिया तो उन्हें यह पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही रही हों, मगर मौजूदा रूप में ये दोनों एकदम अलग थलग हैं। यूं कहे तो दोनों ग्रहों में समानताएं कम, विषमताएं ज्यादा दिखाई देती हैं। बाद में पता चला कि शुक्र पर जीवन पनपने की संभावना कम ही है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसकी सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। एक ओर शुक्र सूखा और दुर्गम है तो दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी नम और जीवन से भरपूर है। पहले वैज्ञानिकों को लगा जीवन से भरपूर है यह ग्रह। बहरहाल जब 1978 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पायनियर मिशन शुक्र ग्रह की पड़ताल करने पहुंचा तो उसने पाया कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों इसकी पुष्टि के लिए कई और अंतरिक्ष अभियान शुक्र ग्रह पर भेजे और इनके जरिए इसकी सतह और वातावरण से जुड़े डेटा को एकत्रित किया गया। शुक्र ग्रह के बारे में ऐसी तस्वीर उभरी कि पृथ्वी जैसा ग्रह भले ही शुरुआत में जीवन योग्य परिस्थितियों से संपन्न रही हो, मगर बाद में एक गर्म और नर्क के रूप में तब्दील हो गया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में खगोलविदों ने एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल माइकल वे और गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के एंथनी डेल जेनियो ने शुक्र ग्रह पर अतीत में जीवन योग्य परिस्थितियों की मौजूदगी के बारे में बताया। 24 सितंबर 2019 को कहा कि इस नए शोध से पता चलता है कि आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पृथ्वी के तरह पानी के महासागरों, जंगलों और शायद जीवन से भरपूर ग्रह रहा होगा। इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं ने 5 कंप्यूटर सिमुलेशन की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया कि वाटर कवरेज के विभिन्न स्तरों पर शुक्र का वातावरण कैसा रहा होगा या कैसे समय के साथ शुक्र ग्रह का वातावरण परिवर्तित हुआ होगा। कभी जीवन से भरपूर था यह ग्रह। निष्कर्ष के रूप में सभी 5 सिमुलेशन एक ही बात की ओर संकेत देते हैं कि अतीत में तकरीबन 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा। शोध यहां तक दावा करता है कि स्टेबल एटमॉस्फेयर के चलते यहां जीवन के पनपने योग्य स्थितियां मौजूद थी और शायद वहां पर माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद रहा होगा। सवाल यह उठता है कि अगर शुक्र पर एक समय जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वह बेहद गर्म खतरनाक स्थान में तब्दील हो गया। आज से करोड़ों साल पहले हो गया होगा यह तबाह। हालिया शोध के मुताबिक आज से तकरीबन 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक बेहद ही विशाल रीसरफेसिंग इवेंट से होकर गुजरा, जिसकी वजह से घटनाओं की एक श्रृंखला के अंतर्गत
ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह का एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना को ग्रह की चट्टानों या ज्वालामुखियों के तले में जमे ग्रीन हाउस गैसों ने अंजाम दिया, जिससे शुक्र ग्रह का जलवायु पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभुत्व है, जिस कारण यहाँ लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश, 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान और बेहद ही गर्म एटमॉस्फेयर में परिवर्तित हो गया। यह सौंदर्य और प्रेम की देवी जलवायु परिवर्तन की वजह से एक जीते जागते नर्क में तब्दील हो गई। कहीं पृथ्वी का हाल भी ऐसा ना हो जाए। अब जरा अपनी पृथ्वी के बारे में सोचिए, यहाँ की भी जलवायु वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, बल्कि यह इंसानी करतूतों की बदौलत ही हो रहा है। हमें इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जीवन से लहलहाते हमारे इस खूबसूरत ग्रह का हाल शुक्र जैसा ना हो। बहरहाल, यह नवीनतम शोध शुक्र और पृथ्वी ग्रह के तमाम समानताओं और असमानताओं को उजागर करता है और हमें यह एहसास कराता है कि अगर हमने पृथ्वी ग्रह की मौजूद स्थिति में सुधार नहीं किया तो हमारा हाल कहीं शुक्र ग्रह की तरह ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।